हरियाणा के खेल मंत्री पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों के मामले को लेकर हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज आज हरियाणा राज्य महिला आयोग पहुंची। सुधा भारद्वाज ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया को ज्ञापन सौंपा और महिला कोच से हुई छेड़छाड़ मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में महिला आयोग पर अब तक संपर्क नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही महिला कोच ने ये भी आरोप लगाया है कि उसने कई बार महिला आयोग को शिकायत मेल भेजी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस पर भी रेणु भाटिया ने जवाब दिया। जी मैम, आज ज्ञापन देने पहुंची थी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहना चाहिए? मैंने ज्ञापन रिसीव किया, बड़े वार्म विशेष के साथ रिसीव किया है और मैडम भारद्वाज जी से मेरी पूरी तरह से डिटेल में बात हुई। उनकी पूरी टीम जो साथ आई थी वो भी मौजूद थी और मैंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके न्याय के लिए हम बैठे हैं, इसलिए जो भी उन्होंने मांग रखी है हम पूरा प्रयास करेंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बात हो। मैं महिलाओं से ये भी उम्मीद करती हूँ एक आयोग के नाते कि हम जब भी कोई बात करें बहुत सोच समझ कर करें, कहीं हम अपनी बात में ना फंसें, इस बात का हम बड़ा ध्यान करें। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम सब बेटियों का भी होना चाहिए, इस पर मैं बिलीव करती हूँ। लेकिन इस मामले में जो भी टेक्निकली लीगली जो हमारी जुडिक्शंस में आएगा हम उसका पूरा पूरा सहयोग करेंगे उस बेटी का। महीनों की बात तो मुझे नहीं पता, मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हाँ जब से ये मामला उठा है और उसने अगर मेल्स किए हैं तो हमारे पास नहीं पहुँचा, और इन केस महीनों से अगर उसने मेल किया मैं फिर भी चेक कराऊँगी। अगर ऐसी बात है तो अगर मेल पे जवाब नहीं गया उनको तो उनको आना चाहिए था, पर मुझे उम्मीद है मैंने मैडम के सामने भी अपने स्टाफ से पूछा कि कोई मेल आई है या नहीं आई, एक बार चेक करें, तो नहीं आई थी। मेमोरेंडम पूरा डिटेल में अभी पढ़ती हूँ और उसके बाद संपर्क करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल बात सुनेंगे उसकी। हरियाणा में महिला कोच से छेड़छाड़ मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। महिला कोच से छेड़छाड़ का केस दर्ज होने और भाजपा आलाकमान तक विवाद पहुंचने के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को खेल विभाग छोड़ दिया है। हालांकि वे युवा मामले और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के मंत्री बने रहेंगे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने के एक दिन बाद सीएम को इस आशय का खत सौंपा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।